Hello students, welcome back here in the next session of your favorite subject, that is mathematics. Students, in previous session we have completed till our exercise number 5.5, and today I am going to start our new exercise, that is exercise number 5.6. So exercise 5.6 number 6 hum start karte hain aaj ke session mein. Okay students, so let's get started. Students, hamara aaj ka session based hone wala hai is pe multiplication by 10, 20 and 30. अभी तक हम क्या कर रहे थे, वन डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ठीक है. नीचे क्या होता था, हमारी वन डिजिट होती थी, लेकिन आज जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो टू डिजिट्स की होंगी. टू डिजिट्स में भी 10, 20 and 30 की होने वाली है. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 20 and 30. पहला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही है जैसे 68 into 10. हमें क्या करना है, 68 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 10 से. अब देखते हैं स्टूडेंट, हम क्या कर रहे थे पहले, अभी तक हमें केवल वंस की प्लेस पे वैल्यू रहती थी, तो हम वंस को दोनों से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते थे. बट अभी हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो डिजिट हो गई हमारी. तो 10 is equal to 10 is 1 10, यानी कि 10 को हम क्या कह सकते हैं, 1 10s कह सकते हैं ना. और अगर हम 68 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 68 into 1 10, यानी कि 1 10 से 68 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. या तो हम 68 into 10 बोले या फिर 68 into 1 10 बोले, बात बराबर ही है, यानी कि इक्वल है. फिर हम देखते हैं, अगर स्टूडेंट हम 68 into 10 करेंगे या फिर 68 into 1 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 68 into 1. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या था, द नंबर इटसेल्फ, ठीक. तो 68 into 1 is equal to 68, लेकिन हमें 1 किसने दिया है, 10 में. तो 68 को अगर हम 1 10 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68 tens. को हम कैसे लिख सकते हैं, 68 लिखेंगे और टेंस की प्लेस पे 10 ऐड करेंगे. क्या करना है, वंस की प्लेस पे हमें 10 ऐड करना है. तो ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्टूडेंट्स. तो अब हमें समझ में आया ना, 68 tens is equal to 68 और वंस की प्लेस पे 0 हो गया तो दैट इज 680. तो हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं 68 into 10 is equal to 680. ओके स्टूडेंट, तो 68 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तो पहले क्या आएगा, दैट इज 68 और वंस की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0. वी राइट 0, तो आंसर क्या आया, दैट इज 680. ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं सेकेंड एग्जांपल पे. दैट इज दिया हुआ है 68 into 20. हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई 10, 20 and 30. अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 20 is 2 tens, जैसे कि 10 is 1 10, 10 को हमने क्या लिखा, 1 10, और 20 is 2 10, 20 क्या होगा, 2 tens हो जाएगा. तो इसीलिए 26 into 20 करें या फिर 26 into 2 tens करें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, पहले 26 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से. 6 2s are 12. We write 2 over here और 10s की प्लेस पे 1 कैरी चला जाएगा. ओके स्टूडेंट, कहाँ कैरी चला जाएगा, 10s की प्लेस पे. अब हम मूव करेंगे 10s पे, दैट इज 2 2s are is equal to 4. 4 plus 1, 4 plus 1 क्या आएगा, दैट इज 5. तो 26 into 2 is equal to 52, दैट इज 26 into 2 is equal to 52. फिर और ये किस फॉर्म में है, दैट इज टेंस के फॉर्म में, तो 52 टेंस हो गया. ओके स्टूडेंट, और हम इसको अब क्या करेंगे, 52 लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर है 26 into 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद. उसके बाद वंस की प्लेस पे 10 ऐड कर देंगे. क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे. वंस पे हम क्या कर रहे थे, 68 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे,
तो नंबर हमें वही मिला था क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी हुई है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है द नंबर इटसेल्फ। इसीलिए अगर हम 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया हमारा 52। और 52 टेंस में हम 1s की प्लेस पे क्या लगा दे रहे हैं, टेंस में दैट इज 0। टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 1s की प्लेस पे 0 ऐड कर रहे हैं, इधर भी एंड इधर भी। तो 26 इंटू 20 क्या हो जाएगा, पहले तो 26 इंटू 2 करेंगे दैट इज 52। फिर क्या करेंगे, 0 1s पे ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 10-20 के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। अब हम मूव करते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 30 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या किया, 36 इंटू 30 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 36 इंटू 3 टेंस लिख सकते हैं ना, क्योंकि 30 इज इक्वल टू 3 टेंस। तो 36 इंटू 3 टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये एक बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, जो कि मल्टीप्लीकेशन मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ आपको। इस लॉन्ग मेथड को शॉर्ट करने के लिए मैंने अभी जो क्वेश्चंस किए उसको हमने उस तरीके से किया, दैट इज पहले हम क्या करते थे, जो हमारा लॉन्ग मेथड है वो है दैट इज 06 आर इज इक्वल टू 0। हम 1s की प्लेस पे देखते हैं दैट इज 0 इनटू 6, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0। 03 आर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो हमने 1s की प्लेस का तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो हम 1s की प्लेस पे लगाते हैं क्रॉस, क्या लगाते हैं नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3rd यानी 10s की प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब पहले हमने क्या किया, 1s को 1s और 10 से मल्टीप्लाई किया, अब हम नीचे के 10s को 1s और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 36 आर इज इक्वल टू 18। 18 एंड 1 गया 10s पे कैरी, तो 33 आर इज इक्वल टू 9 एंड हमारे पास 1 है कैरी, दैट इज आंसर क्या आया 10। क्या आया आंसर 10। तो आंसर हम देखते हैं, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड, 0 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आंसर आएगा दैट इज 0। 0 प्लस 8 किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रिमेन इटसेल्फ दैट इज 8। 0 एंड 1 क्या आंसर आया, दैट इज 10 एंड 8 0। 36 इंटू 30 इज इक्वल टू 108 0। ओके स्टूडेंट, इसी लॉन्ग मेथड को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया कि 36 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, इस डिजिट को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया, 10s पे तो एक ही डिजिट है तो 10s की प्लेस की जो डिजिट है उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज अब हम क्या करेंगे 36 इंटू 3 दैट इज 36 आर इज इक्वल टू 18। और 1 हमारा कैरी चला गया, 33 आर इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। आंसर क्या आया, दैट इज 108। लेकिन हमें किससे, हमारा 0 कहाँ है, तो 0 को हम इस 0 को जो हमारा 0 बचा हुआ है वो हम लाएंगे इसके 1s पे लिख देंगे, तो आंसर क्या आया दैट इज 1080। ये मेथड हमारा शॉर्ट मेथड है जिससे हम जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका लॉन्ग मेथड भी देखा 3rd एग्जांपल में एंड शॉर्ट मेथड भी देखा। हम अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स, हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 51 इंटू 10। स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या, हमने एग्जाम्पल में देखा किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 51। और 1s की प्लेस पे हम क्या ऐड कर देंगे, दैट इज 0। कैसे किया हमने, 51 इंटू 10 दिया हुआ था तो 51 को हम 51 टेंस भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 51 टेंस का क्या मतलब हो जाएगा, दैट इज 51 और 1s की प्लेस पे 0 दैट इज 510।
अब एग्जांपल में देखा ना, मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज 44 इनटू 10। तो 44 इनटू 10 का मतलब 44 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 44 एंड 1s की प्लेस पे हम क्या ऐड करेंगे, दैट इज 0। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 31 इनटू 20। 31 को क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना। अब हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम करेंगे इधर 1s के नहीं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 3s are is equal to 6, दैट इज 62। और 1s की प्लेस पे हम 0 ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना डी क्वेश्चन देखते हैं, ये है 36 इंटू 20। अभी हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों 1s 10s को ऊपर जो दिए हैं, दैट इज 2 6 r is equal to दैट इज 12 आया एंड 1 कैरी ले जाएंगे, हमने 12 का 1s लिख दिया इधर एंड 10s को हम लेके गए कैरी 10s पे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 3s are is equal to 6 6 plus 1 is equal to 7। तो 36 into 2 is equal to 72 एंड अभी 20 है ना, 2 10s है तो हम 0 1s की प्लेस पे ऐड कर देंगे, दैट इज 720। स्टूडेंट्स, आपको रिमेनिंग सम आपकी एक्सरसाइज 5.6 के आपके पेरेंट्स के हेल्प से करना है। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 20 एंड 30 समझ में आया हो एंड आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने बुक में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आपको होमवर्क करना है एंड उसकी फोटो मुझे सेंड करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।